हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जब भी हम आईज़ वगैरह या कोई भी मेकअप लुक सोशल मीडिया पे या यूट्यूब वगैरह पे सर्च करते हैं तो हम फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हैं स्क्रीन को, एकदम से हमारे सामने फिर कोई ऐसा मेकअप लुक आता है या फिर कोई ऐसी आई शेडो आती है जिसे हम देख के मतलब एकदम से मुँह से निकलते हैं कि अरे वाह कितना अच्छा मेकअप लुक है या फिर कितनी अच्छी आई शेडो है। और फिर हमारा क्या होता है कि हमें देख के मतलब ऐसा लगता है कि अभी अभी एक के अभी मतलब एकदम से उसे आई शेडो को ट्राई कर ले या फिर इस आई शेडो को या इस मेकअप लुक को मुझे एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो इसी तरह की आज मैं आपको एक आई शेडो बताने वाली हूँ इजी टेक्निक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब भी हम कोई भी आई शेडो बना रहे हैं तो कुछ हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। ये नहीं कि बस मैं आपको बताते जाऊँ कि आपको ये लगाना है, उसके बाद ये लगाना है, इसके बाद ये लगाना है, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स ऐसे होता है जिनका हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप तो स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि मैं कौन सा कलर यूज़ कर रही हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी उनकी डिटेल भी तो बता दूँ। सबसे पहले तो हम आईज़ को प्रिपेयर करते हैं। हम लगाएंगे सबसे पहले प्राइमर। प्राइमर से क्या होता है, हमारी स्किन काफ़ी सॉफ्ट होती है, कलर जब हम उस पर लगाते हैं तो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आईज़ हमारी जो स्किन होती है नॉर्मल नेचुरल उसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा मतलब आईज़ हमारी जैसे ब्लैक से ही होती है हमारी नीचे से, तो आई लिड की तरफ से हमारी ब्लैक होती है, आईज़ थोड़ा सा कलर डाउन होता है। तो उसके लिए हम अपनी आईज़ को इवन करने के लिए हम लगाते हैं बेस। बेस लगाने से हमारे ये भी फ़ायदा होता है कि कलर काफ़ी अच्छे से दिखते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे अच्छे से आई शेडो पे अपनी आईज़ पे बेस लगा लेंगे। अच्छे से टैप टैप करके आपको अच्छे से अप्लाई करना है अपनी आईज़ पे। उसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी आई शेडो। आई शेडो के लिए आप जो भी कलर लगा रहे हैं सिर्फ आपको मेन ध्यान क्या रखना है, कोई भी आप कलर लगा रहे हैं कोई भी टेक्निक यूज़ करनी है उस टेक्निक को और उन कलर को काफ़ी संभाल के आपको यूज़ करना है। अब आप देख रहे हैं मैं ये जो टेक्निक यूज़ कर रही हूँ इसमें आपको सिर्फ आउटर और इनर कॉर्नर पे अपने कलर को अप्लाई करना है, लेकिन उसके लिए आप अच्छा जब हम ब्लैक कलर भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी मतलब हमारा ब्लैक कलर ऐसा होता है कि काफ़ी फैलता है, हल्का सा आपका कहीं पर टच होता है तो वो काफ़ी दिखेगा। तो इसलिए आपको कलर काफ़ी संभाल के अप्लाई करने होते हैं। ब्रश जो है आपका वो आप एकदम मतलब संभाल के, आप थोड़ा सा टाइम लग जाए कोई नहीं शुरू शुरू में, लेकिन आप संभाल के अपना ब्रश रखे आपको कहाँ पे रखना है और उसे वहीं पे ब्लेंड करते रहे एक ही जगह पे। अगर आप राउंड राउंड करके ब्लेंड करते हैं ना तो वो अपने आप ऑटोमेटिक मतलब थोड़ा 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 करके फैलता है, उससे काफ़ी अच्छा लुक आता है आपका एक स्मोकी लुक जो है। उसके लिए आप ये राउंड टेक्निक ज़रूर यूज़ करें। अच्छा, ये मैंने जो शिमर लगाया ये लगाया मैंने डार्क ब्राउन कलर का। अगर हम ब्लैक कलर पे डार्क ब्राउन कलर का ग्लिटर लगाया तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो सिर्फ आपको इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ टेक्निक का ही ध्यान रखना है। एक बार आप छोटी सी वीडियो है आप एक बार दोबारा देख लें तो काफ़ी अच्छे से आप इस आईज़ को जो है समझ जाओगे कि आपको किस तरीके से अपनी आईज़ को कंप्लीट करना है और किस तरीके से अपनी आईज़ को आपको लुक देना है। क्योंकि आईज़ आप कोई भी बनाओ, कठिन से कठिन बनाओ या इजी से इजी बनाओ, सिर्फ आपको ध्यान यही रखना है कि आपकी जो आईज़ का है आप कौन सी उसमें टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और वो टेक्निक आपको अच्छे से एकदम मतलब फोकस के साथ यूज़ करनी है। कलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो आईज़ है वो कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।